हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेचुरल जॉइन इन रिलेशनल एलजीब्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इट इज डिनोटेड। सो नेचुरल जॉइन इज डिनोटेड लाइक दिस, R1 नेचुरल जॉइन R2। ओके, नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था जॉइन क्या होता है। जॉइन इज नथिंग बट जब हम दो रिलेशन इंस्टेंसेस के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ मीनिंगलेस और यूजलेस टपल्स। तो उनमें से यूजफुल टपल्स फिल्टर आउट करने के लिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूजुअली फॉलोड बाय अ सिलेक्शन ऑपरेशन। और जॉइन ऑपरेशन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय अ सिलेक्शन ऑपरेशन इसको एक सिंगल ऑपरेशन में कंबाइन कर देता है। राइट, नाउ नेचुरल जॉइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जॉइन ऑपरेशन जहां पे अगर R1 और R2 जो रिलेशन स्कीमा है उनमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स है तो वो सारे टपल्स R1 और R2 में से एसोसिएट होंगे या कंबाइंड होंगे जहां पे कॉमन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेम हो। ओके, सो लेट अस राइट डाउन, हम एग्जांपल देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट लेट अस राइट डाउन अ बिट ऑफ थियरी। ओके, सपोज कॉमन एट्रीब्यूट्स इन R1 एंड R2 आर A1, A2, A3, राइट, देन टपल T1 विच बिलोंग्स टू R1 एंड टपल T2 विच बिलोंग्स टू R2 विल बी एसोसिएटेड और कंबाइंड एसोसिएटेड इन R1 नेचुरल जॉइन R2 इफ T1 टपल R1 में बिलोंग करता है, T2 टपल R2 में बिलोंग करता है। ये R1 नेचुरल जॉइन R2 में तभी होंगे, एसोसिएट होंगे जब A1, A2 और A3 तीनों की वैल्यू T1 और T2 में सेम हो। ओके, सो आई कैन से वैल्यू ऑफ A1 इन T1 इज सेम एज वैल्यू ऑफ A1 इन T2 एंड वैल्यू ऑफ A2 इन T1 इज सेम एज वैल्यू ऑफ A2 इन T2 एंड value of A3 in T1 is same as value of A3 in T2. Okay, तभी वो combine होंगे। अब R1 natural join R2 जो होगा उसका schema क्या होगा? So, हमने जो theta join देखा उसमें क्या होता था, उसके schema में R1 और R2 दोनों के जो भी attributes है वो combine हो जाते थे। लेकिन R1 नेचुरल जॉइन R2 में क्या होगा कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो एक ही बार आएंगे। ओके, सो इफ A1, A2, A3 आर कॉमन एट्रीब्यूट्स बिटवीन R1 एंड R2 देन schema of R1 natural join R2 is, जो common attributes है वो एक ही बार आएंगे, so it will be R1 all the attributes of R1 union all the attributes of R2 except the common attributes, so A1, A2 and A3, राइट। तो जो इनका नेचुरल जॉइन होगा उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, R1 और R2 के सभी एट्रीब्यूट्स, बट कॉमन एट्रीब्यूट्स R2 में से नहीं आएंगे। सो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो सिर्फ एक में से ही आएंगे, मतलब एक ही बार आएंगे, डुप्लीकेट नहीं होंगे। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल जिससे कि सब चीजें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई हैव अ प्लेयर इन्फॉर्मेशन टेबल एंड आई हैव अ स्टेट्स इन्फॉर्मेशन टेबल। ओके, प्लेयर इन्फॉर्मेशन टेबल में क्या है, लेट्स से वी हैव प्लेयर आईडी, वी हैव नेम ऑफ द प्लेयर एंड लेट्स से वी हैव एज ऑफ द प्लेयर। ओके, एंड इन स्टेटिस्टिक्स वी हैव प्लेयर आईडी, ओके, एंड वी हैव नंबर ऑफ मैचेस विद दैट प्लेयर 1। ओके, एंड लेट्स से वी ऑल्सो हैव द टोटल प्राइज मनी। ओके, सो लेट्स से द प्लेयर आईडी इज 1, 2, 3, 4, 5, द नेम ऑफ द प्लेयर्स इज ABCDE, एज ऑफ द प्लेयर इज 33, 32, 31, 30 and 29, योर द प्लेयर आईडी इज लेट्स से 4, 5, 3, 1, 2,
स्टेटिस्टिक्स, इन स्टेटिस्टिक्स द फर्स्ट प्लेयर हैव वन 10 मैचेस, सेकंड हैव वन लेट्स से 12 मैचेस, थर्ड हैव वन लेट्स से 9 मैचेस, फोर दिस सॉरी सो प्लेयर विद प्लेयर आईडी 4 हैज वन 10 मैचेस, प्लेयर विद प्लेयर आईडी 5 हैज वन 12 मैचेस, प्लेयर विद प्लेयर आईडी 3 हैव वन 9 मैचेस, प्लेयर आईडी 1 हैव वन 4 मैचेस एंड प्लेयर आईडी 2 हैव वन लेट्स से 7 मैचेस. द प्राइसेस आर लेट्स से 50,000 और लेट्स से यर 70,000, 48,000, यर लेट्स से 20,000 एंड यर लेट्स से 28,000. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू, सो क्वेश्चन इज डिस्प्ले प्लेयर आईडी, नेम ऑफ द प्लेयर, एज ऑफ द प्लेयर अलोंग विथ नंबर ऑफ मैचेस ही और शी वन एज वेल एज प्राइस अमाउंट. ओके, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे प्लेयर का आईडी, प्लेयर का नेम, एज, नंबर ऑफ मैचेस दैट प्लेयर वन एंड प्राइस, ये सभी को डिस्प्ले करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज, सो द प्लेयर आईडी शुड कम ओनली वंस. ओके, सो द फर्स्ट वे टू डू इज थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट. सो आई विल से प्लेयर क्रॉस प्रोडक्ट विथ स्टेट्स. अब इसमें बहुत सारे टपल्स यूजलेस होंगे, तो मुझे कौन कौन से टपल्स रखने हैं, मुझे वही टपल्स रखने हैं जहां पे प्लेयर आईडी फ्रॉम प्लेयर मैचेस विद द प्लेयर आईडी फ्रॉम स्टेट्स, बिकॉज अगर मैं इस टपल की इंफॉर्मेशन इसके साथ कंबाइन करूं तो वो यूजलेस है, क्योंकि ये प्लेयर वन की इंफॉर्मेशन है, ये प्लेयर फोर की इंफॉर्मेशन है, राइट. सो यर आई वुड से सिग्मा प्लेयर डॉट प्लेयर आईडी इज इक्वल्स टू स्टेट्स डॉट प्लेयर आईडी, ठीक है. अब इसमें भी मुझे प्लेयर आईडी सिर्फ एक ही बार चाहिए, राइट, दो बार नहीं चाहिए. सो आई विल से पाई प्लेयर डॉट प्लेयर आईडी, देन नेम ऑफ द प्लेयर, देन एज ऑफ द प्लेयर, देन वन नंबर ऑफ मैचेस वन एंड प्राइस. तो इसमें जो प्लेयर आईडी, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बाद प्लेयर डॉट प्लेयर आईडी और स्टेट्स डॉट प्लेयर आईडी दो आएंगे एट्रीब्यूट्स, उसमें से मैंने स्टेट्स डॉट प्लेयर आईडी को ड्रॉप कर दिया, तो बाकी सारे मैंने एट्रीब्यूट्स को यहां पे प्रोजेक्ट कर लिया. सो दिस इज माय फर्स्ट वे, राइट, दिस इज योर फर्स्ट वे. व्हाट कैन बी द सेकंड वे, यू कैन डू अ थीटा जॉइन, राइट. सो यू कैन से प्लेयर थीटा जॉइन सच दैट प्लेयर डॉट प्लेयर आईडी इज इक्वल्स टू स्टेट्स डॉट प्लेयर आई डी एंड थीटा जॉइन विथ स्टेट्स, राइट. तो ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाई सिलेक्शन है वो इस एक सिंगल जॉइन थीटा जॉइन में कन्वर्ट हो गया. आई होप आपने थीटा जॉइन का वीडियो देखा हुआ है. अब इसमें भी प्लेयर आई डी और स्टेट्स आई डी दोनों होगा, सो इसमें से मैं प्रोजेक्ट करूंगा पाई प्लेयर डॉट प्लेयर आई डी, नेम ऑफ द प्लेयर, एज ऑफ द प्लेयर, नंबर ऑफ मैचेस वन एंड प्राइस, राइट. तो ये सेकंड वे है, इसमें हमने एक ऑपरेशन कम कर दिया. यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट था, फिर सिलेक्शन था, फिर प्रोजेक्शन था. यहां पे हमने नेचुरल थीटा जॉइन किया एंड देन प्रोजेक्शन किया. व्हाट इज द थर्ड वे, आपको पता है कि यहां पे कॉम्बिनेशन किसके बेसिस पे होने वाला है. जो सिलेक्शन है आफ्टर द क्रॉस प्रोडक्ट वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर आईडी, और प्लेयर आईडी कॉमन एट्रीब्यूट है. तो अगर कॉमन एट्रीब्यूट है देन आई कैन डायरेक्टली से प्लेयर नेचुरल जॉइन स्टेट्स. जैसे ही मैं ये कहूंगा तो इसमें कॉमन एट्रीब्यूट जो भी होगा उसके बेसिस पे कॉम्बिनेशन होगा. सो द फर्स्ट टपल हैज प्लेयर आईडी वन, योर प्लेयर आईडी वन टपल इज दिस. सो दिस, लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू मार्कर. सो दिस विल बी कंबाइंड विद दिस, देन दिस टू विल बी कंबाइंड विद दिस, this 3 will be combined with this, this 4 will be combined with this and this 5 will be combined with this. okay, so ye jo common attribute hai uske basis pe join hoga aur yahan pe ek hi bar player id aayega. okay, so iska jo output hoga wo directly kya hoga, player id, name of the player, age of the player, number of matches 1 and the price amount of that player.
ओके ये सीधा एक ही बार आएगा, तो आपको यहां पे ये प्रोजेक्शन भी नहीं करना। सो दिस वॉज फर्स्ट वे, दिस वॉज सेकेंड वे, एंड दिस वॉज थर्ड वे। तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म हो गया, बहुत ही कन्वीनियंट हो गया। अब नेचुरल ज्वाइन यूज कब करना है, जब दो रिलेशन के बीच में हमें ज्वाइन करना है एंड द ज्वाइनिंग कंडीशन इज इक्वालिटी एंड दैट इक्वालिटी कंडीशन इज ऑन कॉमन नेम्ड एट्रीब्यूट। ओके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स दोनों में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे है तो ओके तो वी कैन डायरेक्टली यूज नेचुरल ज्वाइन। ओके फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, ओके सो फाइंड प्लेयर आई डी कॉमन नेम ऑफ प्लेयर्स who have won more than 10 matches। ठीक है, अब आपका कौन कितनी मैच जीता वो इंफॉर्मेशन स्टेट्स में है और प्लेयर की इंफॉर्मेशन प्लेयर में है। आपको चाहिए प्लेयर आईडी एंड नेम ऑफ प्लेयर्स who have won more than 10 matches। ओके सो लेट मी राइट हियर मोर देन इक्वल टू, अगर 10 मैचेस भी जीते हैं तो उन्हें भी डिस्प्ले करना है। तो आई नो कि इन दोनों को कंबाइन करना ही पड़ेगा, देन क्रॉस प्रोडक्ट, लेट्स आई कंबाइन देम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट और यूजिंग थीटा जॉइन। तो जॉइन कंडीशन क्या होगी, वेयर प्लेयर आई डी, प्लेयर डॉट प्लेयर आई डी इज सेम एज स्टेट्स डॉट प्लेयर आई डी। उससे अच्छा क्या है, आई कैन डायरेक्टली से प्लेयर नेचुरल जॉइन स्टेट्स। अब ये मैंने कर दिया, अब इसमें से मुझे कौन कौन से टपल्स चाहिए, मुझे चाहिए वो टपल्स जहां पे नंबर ऑफ मैचेस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो आई कैन से सिग्मा वन ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एंड इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे प्लेयर का आईडी और नेम चाहिए। सो आई कैन से पाई पी आई डी कॉमा नेम, प्लेयर डॉट प्लेयर आई डी, स्टेट्स डॉट प्लेयर आई डी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल जॉइन में कॉमन एट्रीब्यूट एक ही बार आता है। सो पाई प्लेयर आई डी कॉमा नेम From sigma 1 greater than equal to 10, natural join players and states. So, इन दोनों के natural join होगा, फिर उसमें से हम वही tuples रखेंगे जहां पे number of matches 1 is greater than equal to 10, and उसमें से I will pick the player ID and name of the player. Okay? Now, the obvious question which comes to the mind is कि अगर मान लो common attributes दो relation के बीच में नहीं है, and even then if I take natural join तो क्या होगा? So if there are no common attributes between two relations and if I do natural join, then they will simply result into Cartesian product. Okay? So natural join between two relations with no common attributes results, natural join between two relations with no common attributes results in Cartesian product of those two relations. Okay, so I can write R1 natural join R2 is same as R1 cross product or Cartesian product R2 if R1 comma R2 have, or here better we should write schema not instance, if R1 comma R2 have no common attributes. ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द नेचुरल जॉइन। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट आउटर जॉइंस। थैंक यू।